आज हमारे घर में एक पनीर की सब्जी बन रही है। और हमारे घर में पनीर की सब्जी कैसे बनती है तो आप देखिए, से अपने घर में पसंद आए तो बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने दो मीडियम साइज़ प्याज काट के रखी हुई है, इसको मैं ऑयल में अभी कढ़ाई में डालता हूँ। ऑयल आप कोई सा डाल सकते हैं, कोई सा भी, चाहे आप चाहे रिफाइंड बंदोबन डाल सकते हैं, नहीं तो आप कड़वा जो कच्ची धानी तेल है वो भी डाल सकते हैं। मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया हुआ है कच्ची धानी का, इसी में मैं बनाऊँगा। पहले मैं पनीर को फ्राई कर लेता हूँ इसी तेल में, फिर इसी तेल में मैं बाकी की रेसिपी को आगे बढ़ाऊँगा। ये मैं पनीर फ्राई कर रहा हूँ। पनीर फ्राई करते समय फ्लेम फुल कर लें, इससे अच्छे से करारी पनीर फ्राई हो सके। देखिए कितनी करारी करारी बढ़िया सी पनीर सेंक ली है मैंने। अब आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ मसाला रखा है, गर्म मसाला, 1 स्टार, 8-10 ब्लैक पेपर, 1 ये टोड़ा जिसको बोलते हैं, कुछ लकड़ी ले रखी है, और थोड़ी सी जायफल ये है, जावित्री ये है, कुछ तेज 2-3 तेज पत्ता, और एक थोड़ा सा लाल मिर्च। इतने मसालों को हम एक सिलबट्टे, हाँ ये मेरे पास एक ये है सिलबट्टा, इसमें हम पीस लेते हैं, इसको इससे कूट लेते हैं। तो अभी मैं इसमें ये प्याज डाल देता हूँ, तब तक प्याज ब्राउन होगी तब तक मसाले पीस लेता हूँ। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, इसमें नमक डाल दिया है प्याज डालने के साथ में। अभी जब तक ब्राउन हो जाएगी तब तक मैं इसे चलाता रहूँगा। दोस्तों कुछ क्लोव्स ये लिया हुआ है, अपना लहसुन लिया हुआ है मैंने, इसके 5-6 जवा ये लूँगा, थोड़ी सी ये मैंने अदरक लिया है ये रखूँगा, और ये 2 टमाटर लूँगा। तो इनको सब काट करके इसके साथ में ही जो मैंने पीस रखी है मसाला, इसके साथ में ही मैं इसको पीस लूँगा, फिर सब पानी डाल कर फ्लो में रख दूँगा। हमारी प्याज हो चुकी है, इसमें हम मसाला डालते हैं। जो गर्म मसाला मैंने पीसा था उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया डाल दिए। इसको फिर मिक्स करके हम प्याज में ऐड करते हैं। इसमें देखिए मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं, और मसाले डालते ही बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है। तो इसको बढ़िया मसाले को भूनते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। ये मैंने 2 टमाटर काट के इसमें हाफ हाफ रख दिए हैं, इसको मैं अभी ढक दूँगा, और इस प्रोसेस से क्या इसका छिलका बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो अभी थोड़ी देर बाद में इसका छिलका अपने आप निकल जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका छिलका ऐसे पूरा निकल जाता है, ये सबके मैंने निकाल दिए हैं छिलके, और इसको ऐसे खूस देते हैं। खूस देने से वो जल्दी हो जाता है, आपका ग्रेवी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ये हमारा मसाला भून के एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। दोस्तों पानी डालने के पहले थोड़ा सा इसमें मलाई डालेंगे, हम फ्रेश मलाई जिस वो उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मलाई आपके घर की उसको यूज़ कर सकते हैं। दूध भी डाल देंगे तो कोई इशू नहीं, ये चला दिया हमने। अब दोस्तों अच्छे से इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है, तो इसमें पानी डाल देते हैं। मैं लगभग 1 गिलास पानी डाल रहा हूँ इसमें। दोस्तों अब इसमें पनीर डाल देता हूँ, देखिए वाह, ये देखिए इसमें पनीर डाल चुकी है। अब इसको 5 मिनट अच्छे से पकने देते हैं। दोस्तों अब ये बन के बस रेडी है। इसमें देखिए 2 चीज़ और डालेंगी, एक तो ये कस्तूरी मेथी, इसको क्रश करके मैंने डाल दिया है, और ये दूसरा घर का बटर, ये घर का बटर इसमें डाल देते हैं। बस अब ये फिनिश हो गया काम। ये देखिए फाइनल ये शॉट है, हमारी पनीर सब्जी बनके रेडी है, बटर डाल दिया है, अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद हो तो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा दिए। थैंक यू।